हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक और आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा क्या होता है मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, और हम ये भी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने डेटा सेट को आप टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट में आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम ये जो है ये हम इस एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ डेटा सेट देख रहे हैं, तो इस डेटा सेट का जो नाम है वो है आपका टर्म इंश्योरेंस डेटा सेट। और इससे आपको एक आइडिया ये लग सकता है कि जैसे ही एक पर्सन की जो एज है वो इंक्रीज होती है तो उसका क्या होता है, उसे प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है उसी हिसाब से रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ते हैं, इसलिए प्रीमियम यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एज और प्रीमियम, इस तरीके का हमने यहाँ पर डेटा ले रखा है जो कि आपका टर्म इंश्योरेंस का आपका एक डेटा सेट है। तो हम आपको पता है कि जब भी हम हमारे मॉड्यूल को जब हम ट्रेन करते हैं तो हमें क्या होती है, डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मशीन लर्निंग मॉड्यूल को ट्रेन करने के लिए। अब जब हम मॉड्यूल को ट्रेन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि जो हम जो डेटा सेट उसको दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए वो किस तरीके से दिया जाए। मतलब या तो आप पूरा डेटा सेट आप दे सकते हैं अपने मशीन को ट्रेनिंग के अंदर, बट इस सिनेरियो में क्या है, सपोज आपने पूरे ही मॉड्यूल, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा सेट है, ये पूरा ही डेटा सेट आपने मॉड्यूल को दे दिया और उसको आप ट्रेन कर रहे हो और इसी में से आप कुछ सैंपल्स लेके उसे टेस्ट कर रहे हो टेस्टिंग फेज में, तो कुछ अर्थ नहीं है इस मॉड्यूल को बनाने का। तो हमें इस तरीके का डेटा सेट लेना चाहिए कि भाई हम उसको स्प्लिट कर दें कि कुछ डेटा सेट हम कुछ जो सैंपल्स है उससे हम हमारे मशीन को ट्रेन करें और बाकी के कुछ सैंपल्स से हम क्या करें, जो न्यू सैंपल्स होंगे हमारे मॉड्यूल के लिए उससे हम उसे टेस्ट करें। और एक और बात है कि सपोज जैसे अगर दूसरे सिनेरियो में अगर बोलूँ कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ठीक है हम एक डेटा सेट जो है पूरा उससे हम हमारे मशीन को ट्रेन कर देते हैं और एक न्यू कम्प्लीटली डेटा सेट लाते हैं और उससे हम टेस्ट करेंगे, तो ये भी कुछ फिजिबल आपका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि उसके अंदर वेरियस जो कोरिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए आपके मशीन को बहुत मुश्किल ये हो। तो इस वजह से बेटर यही होता है कि आपके पास में जो भी डेटा सेट है आप उसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि आप आधा या 80-20 का, जैसे आप यहाँ रेशो देख रहे हैं जो मैंने अभी करंटली एग्जांपल में लिया है कि भाई 80% आप अपने मॉड्यूल को ट्रेन करने के लिए डेटा यूज़ करें और बाकी का जो 20% है वो आप आपके मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए यूज़ करें, जो कि आपके मॉड्यूल के लिए कम्प्लीटली न्यू डेटा सेट रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 5 रोज है, ठीक है। अब ये जो 5 रोज है तो इसका 80% कितना होगा आपका, जैसे हम इसको अगर 80-20 के रेशो में अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो 80% ऑफ 5 रिकॉर्ड्स जो है आपका वो सिमिलरली आपका क्या होगा, आपके 4 रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब आपके 4 सैंपल्स होंगे। और सिमिलरली आपका 20% ऑफ 5 कितना आने वाला है, आपका 1 सैंपल आने वाला है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डेटा स्प्लिट होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो हम अब चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जुपिटर नोटबुक है और हमारे पास में एक CSV फाइल, तो ये हमारी CSV फाइल है इंश्योरेंस नाम से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से वही जो डेटा है जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था वही मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और सिंपली हम क्या करते हैं, हमारी पांडास को हम इम्पोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा इम्पोर्ट पांडास एस PD और उसके बाद में हमें वो जो डेटा सेट है वो यहाँ इम्पोर्ट करना है, तो मैं पांडास की मदद से करूँगी। तो मैं लिखूँगी पांडा रीड और हमारी CSV फाइल है तो मैं यहाँ पर CSV कंसिडर करूँगी। और उसके बाद में मुझे यहाँ पर फाइल का पाथ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जाइए इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर जाके इसको आप कॉपी करिए और यहाँ पर इसको आप पेस्ट करिए और इसके बाद में स्लैश देखिए, आपको अपनी फाइल का यहाँ पर नाम भी आपको पेस्ट करना है। ये मैंने कॉपी किया और सिमिलरली इसको यहाँ पर ये कर दिया। और इसके पहले आप ये मत भूलिएगा आपको R यहाँ पर देना पड़ेगा ताकि वो पाइथन ये समझ सके आपका कि इस तरीके से आपका जो है आपने ये पाथ दिया है। और ये आपका डेटा फ्रेम होने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको डेटा फ्रेम वेरिएबल में डाल दिया है और मैं इसको रन कर दूँ। और सिमिलरली अगर मुझे डेटा फ्रेम देखना है तो देखिए मेरा यहाँ पर डेटा फ्रेम इस तरीके से आ गया है। तो एज और प्रीमियम इस तरीके से आ गया है मेरा।
और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो अब हमें क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें सेपरेट आउट करना है। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर वो है आपका एज, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका यहाँ पर प्रीमियम। तो मैं मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर स्टोर करूंगी, तो मैं लिखूंगी x और मैं लिखूंगी df of age, और उसके बाद में मैं y के अंदर जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मैं लिखूंगी df of यहाँ पर लिखूंगी प्रीमियम। और सिमिलरली अगर आपको इसको व्यू करना है तो देखिए ये आपका x आ गया और ये आपका यहाँ पर y आ गया। तो हमने ये वाला स्टेप भी सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने सेपरेट आउट कर दिया। अब हमारा जो प्रोसेस है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे डेटा सेट को हमें स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएलएन मॉड्यूल जो रहता है, एसक्यूएल जो हमारा लाइब्रेरी है उसके अंदर हमारा क्या होता है, ये ट्रेल अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये मेथड हमें अब यूज करना है। तो मैं यहाँ पर करूंगी फ्रॉम एसक्यूएलएन डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट, और आपका होता है यहाँ पर जो मेथड है वो है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस मेथड को यूज करना है। तो मैंने इस मेथड को यहाँ पर लिखा, और इसके अंदर अब आपको क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, पहले तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आपको यहाँ डालना पड़ेगा जो हमने सेपरेट आउट किया है एक्स और वाई में, वो डालना पड़ेगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली क्या डालोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा जो रेशियो है, ठीक है, टेस्ट साइज आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मुझे 80-20 के रेशियो में करना है, तो यहाँ पर मेरा जो टेस्ट है, टेस्ट डेटा मेरा कितना है 20%, तो मैं यहाँ पर डालूंगी 0.2 इस तरीके से। और इसके मदद से मुझे यहाँ पर जो है मुझे 4 वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी, और कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ मिलेगी, यहाँ मुझे मिलेगी एक्स ट्रेन, फिर मुझे यहाँ पर मिलेगी एक्स टेस्ट, फिर उसके बाद मुझे मिलेगी वाई ट्रेन, और यहाँ मिलेगी मुझे वाई टेस्ट। तो ये मुझे 4 वैल्यूज यहाँ पर मिलने वाली है। तो मैं इसको रन करती हूँ, और अब हम एक एक करके इसको वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर एक्स ट्रेन मैंने यहाँ पर डाला, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या आ गए हैं, ये हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो इससे हमारा होने वाला है। और आप यहाँ देख रहे हो यहाँ हमारे 4 सैंपल्स है, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बोला कि हम 80-20 के रेशियो में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या है आपका 4 सैंपल्स है यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ स्लाइड पे बताऊँ तो यहाँ पर भी वही यही है, ये देखिए 4 सैंपल्स है, ये 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका 1 सैंपल आने वाला है। तो ठीक है, हम वो देखते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाकर मैं लिखती हूँ मेरा यहाँ पर देखिए टेस्ट जो है मेरा एस टेस्ट, तो यहाँ पर देखिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये अंडरस्कोर है, तो देखिए आपका यहाँ पर सिंगल आपका सैंपल यहाँ पर आ गया है। और सिमिलरली आप यहाँ पर वाई ट्रेन भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए वाई ट्रेन, ठीक है, आपके 4 सैंपल्स आ गए हैं यहाँ पर, और ये आपका वाई टेस्ट है, तो देखिए आपका सिंगल आपका यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया है। तो ये हमने सक्सेसफुली इस तरीके से हमारे डेटा को हमने स्प्लिट कर लिया। और सिमिलरली आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर सपोज आपको ये डेटा नहीं करना, आपको सिर्फ लेंथ देखनी है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर लेंथ डाल दीजिए, तो ये आपको लेंथ देगा। ये देखिए इसने 4 दे दिया आपको, और यहाँ पर देखिए इसने आपको यहाँ पर 1 दे देगा, ये इस तरीके से। तो आप यहाँ लेंथ मेथड का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए हमने क्या करा था, हमने 80-20 के रेशियो में इसको ये किया है। अगर आपको सपोज 70-30 के इसमें करना है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 30% आपका क्या होगा, टेस्ट डेटा होगा। तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, और उसके बाद में इसको आप रन करिए। तो आप रन करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपके सैंपल्स कितने आ गए, यहाँ पर आपके आ गए हैं 3 सैंपल्स, और यहाँ पर आ गए आपके 2 सैंपल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इसका जो रेशियो है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली मैं अगर आपको डेटा दिखाना है, तो आप यहाँ पर डेटा भी देख सकते हैं। तो मैं ये लेंथ हटा देती हूँ, तो देखिए आपका अब यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स आपके टेस्टिंग फेज में जाएंगे, मतलब टेस्ट के लिए वो ये यूज करेगा जो कि प्योरली आपके न्यू डेटा है यहाँ पर, जो आपके मॉडल को पता नहीं है, और जो ट्रेनिंग होने वाली है वो हमारे 3 रिकॉर्ड से यहाँ पर 3 सैंपल से हमारे यहाँ पर होने वाली है। तो देखिए हमने सक्सेसफुली ये हमने हमारा जो डेटा सेट है वो हमने स्प्लिट कर लिया है, किसकी मदद से, ये एसक्यूएलएन की मॉड्यूल सिलेक्शन के मदद से, जो कि हमारी एक लाइब्रेरी है, और जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम है हमारा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड।
और अब ये डेटा आपका कम्प्लीटली रेडी है और ये डेटा को हम फीड करेंगे हमारे अल्गोरिदम में, ठीक है। तो एज फॉर नाउ हम यहाँ पर ये जो पार्ट था यहाँ पर हम ये स्टॉप करते हैं और इसके बाद में जो है हम एक एक करके हमारा जो है मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स हम स्टडी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा आप किस तरीके से स्प्लिट करते हैं एसक्यूएल मॉड्यूल के मदद से। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम आप इसको शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।